Hello students, this is Neeraj Gupta. State level trends in poverty. आपको भूलना नहीं है कि पिछली वीडियो में हम ये चीज पढ़ चुके हैं कि इंडिया की मोर देन 50% यानी 55% पॉपुलेशन जो है वो बिलो द पॉवर्टी लाइन थी. सोच के देखिए, सिर्फ जो बेसिक रोटी खाने के पैसे हैं वो भी नहीं थे आधी से ज्यादा जनता के पास. ठीक है, अब ये डेटा देखिए, ये तो सब इसकी समरी है, इसको उल्टा हम बाद में पढ़ेंगे. आप ये टेबल देखिए, बस ये परसेंटेज में दिया हुआ है. ठीक है ना, ये जो डार्क है ये 73-74 है और ये 2011-12 में अब है. मैं एक एक करके पढ़ता हूँ जस्ट कि आप देखिए कि हमारे देश की हालत क्या थी, अब फिर भी कितनी सुधर गई और किस स्टेट ने ज़्यादा सुधार किया है. आंध्र प्रदेश की बात करें तो अराउंड 50% पुअर थे, अब अगर हम देखते हैं तो करीब 35-40 सालों के बाद ये घट के 11% पे आ गए. याद रखना है, भूलना नहीं, इंडिया की गरीबी 22% पे चल रही है. उस हिसाब से आंध्र प्रदेश ने अच्छा इंप्रूव किया. बिहार बहुत हाई 62 था, उस हिसाब से परफॉर्मेंस बुरी नहीं है, 34 पे आ गए हैं. बट स्टिल जो इंडिया का पॉवर्टी लेवल है ना, नेशनल पॉवर्टी लेवल, उससे ये अभी भी बिहार ऊपर चल रहा है. गुजरात एट पार, पहले भी हाई था, यानी ओवरऑल 55 से तब भी ये लोअर साइड पे था, यानी गुजरात कंपेरेटिवली बेटर है. कर्नाटका भी बेटर है, पहले से बेटर किया है. मध्य प्रदेश अभी भी कितना हाई चल रहा है, 36% लोग अभी भी है ना. देन महाराष्ट्र पहले भी नेशनल लेवल के आसपास था, आज भी नेशनल इंडेक्स के आसपास है. उड़ीसा नेशनल इंडेक्स में टॉप पे 66% है ना, द पुअरेस्ट स्टेट. अगर आप ध्यान से देखो कोई भी 66 नहीं है, तो यानी कि गरीबी सबसे ज्यादा उड़ीसा. और आज भी अगर हम देखें तो 11-12 का जो इंडेक्स है तो 36-36 ये मैच कर रहे हैं. उड़ीसा और मध्य प्रदेश, ये दो स्टेट सबसे पुअर हैं अभी भी, है ना. राजस्थान ने काफी इंप्रूव किया है, नेशनल इंडेक्स से भी ये नीचे हैं 16 पर. देन तमिलनाडु भी 16 पर आ गया है. तमिलनाडु ने एक तरह से राजस्थान से भी बेटर किया, ये 46 से 16 पे आया, वो 55 से 16 पे आया, यानी तमिलनाडु ने काफ़ी अच्छा किया है अपने आप को. और जो नेशनल पॉवर्टी लेवल है उससे लोअर साइड पे चल रहे हैं दोनों. उत्तर प्रदेश अभी भी थोड़ा स्लाइटली हायर साइड पर ही है. उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, वैसे भी जो पुराना उत्तर प्रदेश है, ऐसा आपकी बुक में बताया, उसमें इन्होंने उत्तराखंड वगैरह को भी लिया है, इसलिए भी ये परसेंटेज ज़्यादा नज़र आ रही है. देन वेस्ट बंगाल भी कोई कम पुअर स्टेट नहीं रहा है. अगर हम पास्ट में देखें 62-66 तो ये भी 63 वेस्ट बंगाल, अब फिर भी काफ़ी हद तक कंट्रोल करके 23% आ रहा है. मीन्स इट इज़ वेरी नियर टू द नेशनल पॉवर्टी लेवल, बट स्टिल मतलब मैं तो देख के मतलब थोड़ा सा ये कह सकते हैं आपको कि थोड़ा सा दुख सा भी होता है कि अरे बाप रे, इतना गरीब देश है हमारा. और फिर ये भी सोच आती है कि हम क्या कर सकते हैं इस देश के लिए, या क्या हम करें जिससे ये देश इस गरीबी से बाहर निकले. सो द फाइव स्टेट्स उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा अकाउंट फॉर 70% ऑफ द इंडियाज पुअर. इसलिए भी है कि इन्होंने कहा कि ये पांच स्टेट में 70% लोग गरीब रहते हैं, तो मतलब बड़े भी तो है ना, पॉपुलेशन भी तो उसी रेशो में जाता है ना. उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा, बिहार, मध्य प्रदेश, इतने बड़े बड़े स्टेट्स हैं, बहुत जनता रहती है, तो टोटल पुअर का 70% अगर इन पांच स्टेट्स में है तो वो ठीक है ना. और ये ड्यूरिंग 1973-74 ये लिखा है, वन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन अबाउट, ये है वन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इन मोस्ट ऑफ दीज लार्ज स्टेट्स वॉज लिविंग बिलो द अबाउट. वन हाफ तो है ही ना, हम बात तो कर ही चुके हैं, 55% तो थे ही ना पुअर उस समय. अब ये रिवील कर रहा है कि 73-74 में तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, इसमें लार्ज सेक्शन में पुअर थे. ये सब हमने अभी पढ़ लिया. मैनी इंडियन स्टेट्स हैव रिड्यूस्ड, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु, खासकर इन दो का नाम ले रहे हैं. तमिलनाडु मैंने पहले ही आपको प्रेस किया, 55 से बिल्कुल 16 पे आ गया. इट इज़ सबसे बढ़िया जो प्रोग्रेस नज़र आ रही है वो साउथ की है. देखो आंध्र प्रदेश 49 से 11 और तमिलनाडु 55 से 16. देखा जाए तो साउथ में गरीबी घटी है.
लेकिन खैर वेस्ट बंगाल ने भी अच्छा किया है और ये बात आपकी बुक ने भी कंसीडर की है. वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु रिड्यूस द पॉवर्टी लेवल्स टू अ कंसिडरेबल एक्सटेंट. लेकिन फिर भी नेशनल पॉवर्टी लेवल से ये स्टेट्स अभी भी हाई चल रहे हैं, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार एंड उत्तर प्रदेश. ठीक है, अब हम ब्रिटिश रूल के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं. थैंक यू.